लॉकडाउन में जहां हर कोई अपने परिवार और अपने नजदीकियों की देखभाल में लगा हुआ है, तो वहीं एक नौजवान ने कोरोना संकट में अपनी सेवाएं दे रहे कोरोना वॉरियर को उनके गंतव्य पर चाय नाश्ता करवाकर अपनी सामाजिक जिम्मेवारी निभाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये युवा प्राइवेट जॉब करता है और समय निकालकर तीनों टाइम पुलिसकर्मियों को सुविधाएं दे रहा है। लॉकडाउन में कोरोना महामारी को दूर भगाने के लिए हर कोई प्रयास कर रहा है और इसी के चलते पुलिसकर्मी भी अपनी ड्यूटी पर दिन रात सेवाएं दे रहे हैं। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए लॉकडाउन में एक नौजवान युवा भी सेवा कर रहा है। हमीरपुर के बाईपास चौक पर पिछले 2 महीनों से लाहलड़ी गांव का 40 वर्षीय युवा प्रवीण कुमार चाय नाश्ता के साथ रोजाना पहुंच रहा है। वहीं प्रवीण कुमार के सेवा भाव को देखकर लोग भी इसकी जमकर प्रशंसा कर रहे हैं, तो पुलिसकर्मी भी इस कार्य को महान कार्य करार दे रहे हैं। युवा प्रवीण कुमार का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण अपनी सेवाएं दे रहे पुलिस जवान दिन रात डटकर लोगों की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, इसलिए इनकी मदद के लिए वे ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया कि कोरोना बीमारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके पीछे सर ऐसी बात है कि जो हमारे देश में जो कोरोना की महामारी फैली हुई है, तो जो हमारा जो जिला प्रशासन है वो दिन रात एक कर रहा है, हमारी सेफ्टी कर रहा है। तो मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ और मैंने सोचा कि चलो हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं जो हमारी सेफ्टी कर रहे हैं उनके लिए हम चाय पानी का तो थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जो देश में जो कोरोना का जो दिन प्रतिदिन जो बढ़ रहा है, तो और जो हमारा पुलिस प्रशासन है जो दिन रात एक कर रहा है हमारी खातिर, तो हम भी कुछ ना कुछ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी उनकी थोड़ी सी मदद करें, क्योंकि जितना भी हो सकते सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, अपने घरों में रहें, बाहर ना जाएं। और जो भी जिला प्रशासन कर रहा है जो अधिकारी हैं वो पूरा का पूरा युवा लोगों की सेफ्टी कर रहे हैं। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रवीण कुमार लॉकडाउन के दौरान पुलिसकर्मियों की सेवा कर रहा है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया काम है। यहाँ के लोकल हैं, हमें भी बहुत खुशी हुई। हम डेली यहाँ से आते जाते हैं अपने काम के लिए, तो हम इनको हर दिन देखते हैं, चाय लाते हैं, सब कुछ लाते हैं। इस महामारी के टाइम में मतलब जो भी हेल्प करता है, मैं बोलता हूँ इनका प्रवीण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे हर कोई आगे आने चाहिए और अपनी तरफ से हर चीज से कोऑपरेट करना चाहिए। ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल आरसी दीमान ने बताया कि लालड़ी गांव के रहने वाले प्रवीण कुमार लॉकडाउन होने के बावजूद भी रोजाना चाय नाश्ता पहुंचा रहे हैं, जो कि एक महान काम है। उन्होंने कहा कि इस तरह चाय नाश्ता करवाए जाने पर कई बार पैसे लेने के लिए भी प्रवीण को कहा गया, लेकिन प्रवीण ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। ये यहाँ के लालड़ी के रहने वाले और ये मतलब जब से लॉकडाउन हुआ है ये चाय मतलब अपनी तरफ से ये चाय पानी वगैरह मतलब पुलिस मुलाजम यहाँ पर देते हैं और नाश्ते का प्रबंध भी करते हैं, ये जो कि एक सामाजिक कार्य है। और मतलब ऐसा इस तरह के कार्य होने चाहिए, इस तरह के कार्य करने चाहिए मतलब, और कंटिन्यू चले हैं ये बेचारे। और हमने इनको कई बार बोला कि आप इसको हमारे से पैसे वगैरह कुछ ले लो, तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं मतलब बोला। ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ।